गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। और आज है संडे। नहीं, आज संडे नहीं है, आज तो गुरुवार है। मैं गुरुवार को ये एडिटिंग कर रही हूँ ब्लॉग का, पर ये था संडे का ब्लॉग, संडे लंच का ब्लॉग। हम लोग लंच में क्या क्या खाए थे, क्या क्या किए थे, सब दिखाऊंगी। और अभी तो खड़े होकर कर रही हूँ चिंगड़ी मच्छो यानी कि प्रॉन को क्लीनिंग चल रहा है उसका। प्रॉन का अंदर का पूरा कचरा निकाल रही हूँ। और प्रॉन का ना मैं छिलका रखती हूँ, छिलका के साथ मुझे बनाने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं प्रॉन को ऐसे ही लेकर आ जाती हूँ घर पे, क्लीन करती हूँ अच्छे से, क्योंकि वो लोग ना बाहर ऐसे क्लीन नहीं करते। और यहाँ पे अभी मसाला पेस्ट करने के लिए जिंजर और गार्लिक को मेरे लिए छिलके दे रहे, हेल्प कर रहे हैं। और प्रॉन मेरा क्लीन हो गया है, घर पे अच्छे से करेंगे पूरा, अंदर का बाहर का सब अच्छे से करते हैं। वो बाहर इतना अच्छे से नहीं, सिर्फ छिलका निकाल देंगे पर अंदर का कचरा नहीं निकलते। तो मैं इसे ही लेकर आती हूँ घर में, बैठकर अच्छे से करती हूँ। तो हो गया मेरा प्रॉन क्लीनिंग। अभी प्रॉन को अच्छे से 2-3 बार वाश कर दूँगी। ये देखिए वाश भी हो गया, अब रखूँगी एक प्लेट में। और प्रॉन किस किस को पसंद है ज़रूर बोलिए। मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को प्रॉन पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, पर मामून का प्रॉन क्राब ये सब फेवरेट है। बाबू भी खाता है पर उसको ना छिलका निकल के दो तब भी वो खा पाता है, छिलका के साथ नहीं खा पाता है बाबू। और यहाँ पे जिंजर गार्लिक ऑनियन को मैंने ले लिया है, और लूँगी 2 स्पून क्यूमिन सीड्स, जीरा पेस्ट बनाऊँगी जो मसाला बनाऊँगी प्रॉन करी के लिए। और ये है दालचीनी और स्टार ऑनिस थोड़ा थोड़ा ली हूँ, और ये 2 इलायची भी डालूँगी, और डालूँगी 2 टमाटर मीडियम साइज़ का, 2 टमाटर डाल के इसको फाइन पेस्ट बना लूँगी। यही प्रॉन करी में मैं यूज़ करूँगी और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालूँगी। अब यहाँ पे मैं बिठाऊँगी राइस भी कुकर में बिठा दूँगी, साथ साथ में राइस भी हो जाएगा। लंच का टाइम तो हो गया है, और हो गया बस राइस को कुकर ऑन करो, राइस हो जाएगा। और यहाँ पे है मसूर का दाल बनाऊंगी, तो मसूर का दाल को ऐसे में तो खुले में बनाती हूँ तो वो भी होगा। अब मैं करूँगी प्रॉन का मैरिनेट। तो क्या प्रॉन में तो सिर्फ हल्दी और सॉल्ट नमक को ही दूंगी, और इसको अच्छे से मिला के बस फ्राई करना है और कुछ नहीं। प्रॉन करी तो जल्दी बनता है, बस मसाला को भुनने के लिए टाइम लगता है, और बनने के बाद तो ज़बरदस्त लगता है। और ये मिला रही हूँ मैं प्रॉन को अच्छे से, और ये देखिए जैसे नॉनवेज को देख ली तो पागल हो जाती, तो आप लोगों को भी दिखा दी। और यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी प्रॉन को, तो पैन गरम होने के बाद डाल दिया है सरसों का तेल, और अब मैं डालूँगी ये जो प्रॉन। और बस प्रॉन को अच्छे से फ्राई करेंगे, ज़्यादा कड़क करके नहीं फ्राई करेंगे, मीडियम फ्राई करेंगे। बेंगलोर में इतना सर्दी है ना बाबरे। हाँ, अब मैं क्या करूँगी, तेल फिर से डालूँगी इसमें कढ़ाई, ये पैन में मैं बनाऊँगी प्रॉन करी। तो तेल के अंदर हल्दी थोड़ा डाल दिया है, और ये जो बड़ा बड़ा कट करके रखी थी आलू, इसको भी डाल दूँगी। अभी अच्छे से आलू को फ्राई करूँगी मैं, साथ में इसी में ही आलू को फ्राई करके मसालों को भी इसमें ही भूनूँगी, और ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखो एक बिल्ली सूंघ रहा है चिंगड़ी को प्रॉन इसका फेवरेट है ना माँ आज बहुत दिन के बाद प्रॉन खाएगा ना, आकर सूंघ रहा है। अरे ये देखिए आलू फ्राई हो रहा है, आलू फ्राई होने के बाद प्याज डालूंगी, मसाला तो पूरा पेस्ट करके रख गया है वही डाल दूंगी। अरे यहाँ पे हबी के लिए बिठाई हूँ मसूर का दाल। तो मेरा आलू फ्राई आधा हो गया है, अब मैं प्याज डाल दूंगी कटा हुआ प्याज, अब इसको भी फ्राई करूंगी आलू के साथ, प्याज भी फ्राई होता रहेगा, आलू प्याज एक साथ साथ में ही फ्राई होगा, तो एक्स्ट्रा आलू को फ्राई करने का जरूरत नहीं है, इसमें ही फ्राई होगा। अब मैं इसके अंदर डालूंगी वो जो मसाला पेस्ट बनाई थी वो डालूंगी, जिंजर गार्लिक स्टार अनिस इलायची दालचीनी टमाटर ये सब का, और जीरा ये सब का पेस्ट बनाई थी, और इसको मैं 5 स्पून बड़ा स्पून में डालूँ क्योंकि काफ़ी बनाना है, और
थोड़ा ग्रेवी भी ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि हमारा घर में ना चिंगुड़ी झोड़ा सबको पसंद है, राइस के साथ भी मिला के खाते हैं, दाल हम लोग नहीं खाएंगे, तो इसलिए थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा आएगा। और अभी मैं 2 स्पून डालूँगी चिल्ली पाउडर और 1 स्पून से कम हल्दी पाउडर। अब मसालों को अच्छे से भूनूंगी। अभी तो वही भुनना स्टेज है, भुनते रहो अच्छे से भुनते रहो। अभी डालूंगी नमक टाटा सॉल्ट में, ये चिंगड़ी बोल रही प्रॉन करी में टाटा सॉल्ट यूज की थी, आप कोई भी नमक यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बस देखकर अच्छे से भुनेंगे, और कोई काम नहीं, आप भुनता देखिए, जब तक भुनेगा मैं मेरी चाय खत्म कर लेती हूँ। यहाँ पे बिठाई थी मसूर दाल में ना, तो 2 चिल्ली ऐसे ही डाल दिया है, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, नमक भी दे दिया। ये मसूर दाल में तड़का नहीं लगेगा, हबीबी को ऐसे ही पसंद है, तो वही बन रहा है मसूर दाल, और वही उधर तो भून रहा है मसाला, मेरे चाय भी ख़त्म हो जाएगा इस बीच में। ये देखो दोनों का खेल चल रहा है संडे में। आज सिद्धि भी शैम्पू किया है? साबुन अच्छा। क्यों रे अनु, हाँ हमेशा उसको साबुन क्यों लगा दिए, खुद तो शैम्पू नहीं तो नहा लेती है, उसको जब पूछो ना एकदम भोली वाली, नहीं साबुन तो क्यों शैम्पू। अगर मम्मी नहीं होती तो मैं कुत्ती नहाता, अगर मम्मी होती तो मैं मम्मी। मुझे सुना मैं कुत्ती नहाती हूँ। अब ये आलू के साथ मसाला अच्छे से भून गया है, देखिए बहुत अच्छे से भून गया। अभी प्रॉन इसके अंदर डाल के इसको भी भुनेंगे अच्छे से, और पूरा अच्छे से भुनेंगे, ढक ढक कर मैं भुनूंगी, और मेरा और बस एक सिप है लास्ट, फिर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अभी ना मामून के रूम में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, 2-3 दिन से, मतलब संडे के बाद मंडे से यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो ये पूरा मेन रोड है, तो पता नहीं आवाज़ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं, एडिटिंग के बाद मालूम पड़ेगा, बहुत साउंड आ रहा है। ये देखिए मेरा प्रॉन भी भुनना हो गया है, एकदम भुनना हो गया। अब मैं पानी को वहाँ पे गरम कर ली थी गैस पे, अब मैं गरम पानी डालूंगी इसके अंदर प्रॉन करी के अंदर। बस पूरा पानी डालकर अभी अच्छे से मिला दूंगी, और 7-8 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। पानी थोड़ा सूखने के बाद बंद करूंगी मैं, और स्टैंडिंग टाइम फिर 5-7 मिनट के लिए दे दूंगी। अब एक्स्ट्रा थोड़ा नमक दे दी क्योंकि पानी डाला ना इसलिए। और ये रेडी हो गया चिंगुड़ी आलू झोलो, बन के पूरा रेडी चिंगुड़ी आलू झोलो, किए खाइब आस, किए खाइब आस चिंगुड़ी आलू झोलो, यम यम। और ये रहा हमारा संडे का लंच।
वाइट राइस, चिंगुड़ी छोड़ो यानी कि प्रॉन करी, और है बीन्स आलू फ्राई, मसूर के दाल, और ये मेरी मम्मी ने दिए थे ड्रमस्टिक का अचार, मीठा अचार और पानी। हाँ, पानी के बगैर कैसे हम लोग खाना खा सकें, तो पानी भी है साथ में। अभी नहा रहे, वो आने के बाद मैं खाऊंगी, बच्चों को दे देती हूँ खाना। खाओ 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 बच्चों खाओ। ओके मामून, कैसे बाय चिंगड़ी? पूरा टेस्टी। खाओ, तेरा तो फेवरेट है चिंगड़ी। चिंगुड़ी आलू झोलो केमिति लागुची मम्मा? टेस्टी टेस्टी। मोर पार्टी रो नहीं, इतने भूख ले लेने, इतना भूख लग रहा है ना अभी अभी भी बाथरूम में, ऐसे लग रहा है थोड़ा खा ही लूं। हाँ मस्त है ना, मस्त तो आए। और किस दिन खराब होता है, हमेशा नॉनवेज तो मस्त ही बनता है, मस्त मस्त बनता है। बाबा के लिए ये सब निकल के दे दूंगी, छिलका दे दो मुझे, मैं निकल के दे दूँ। बाबा छिलका नहीं निकल पाता है, और छिलका के साथ में बनाती हूँ ना प्रॉन, अच्छा भी लगता है। और दाल भी है, रात का पेस्ट होगा, हम तो पहले खा ली क्योंकि मुझे भूख लग गया। और कुछ होता ना ले लेती हूँ, भेज का नॉन भेज हो जाता ना पास में, लोभ संभाल पाऊ शॉर्टकट रे कह बोले लोभ मनुष्य लोभ तो मारूची और कौन करिया। ये देखिए प्लेट, और ये मेरी प्लेट। जा मामून ले जा। ये रहे अभी जी खाना खाने का प्रूफ, अभी आए नहा के धो के फ्रेश होकर, आज लेट कर दिए इसलिए पहले हम लोग खाना खा लिए।
बीन्स आलू फ्राई, बीन्स आलू फ्राई, मसूर का दाल, वाओ। और तुम्हारे सासू माँ ने भेजे थे ड्रमस्टिक का अचार, खा लो। चिंगड़ी झोला दिए ना कभी? ना टिके नहीं चिंगड़ी झोला ये कहाँ लेकर जा रहे हो रे मेरी जान को? मेरी बोला ब्लॉग नहीं बनाओगे तो ये देखो आज से मेरा ब्लॉगिंग बंद, कंप्यूटर जा रहा है, बेच दोगे ना क्या बाप बेटे? लैपटॉप लेकर आओगे? लैपटॉप लेकर आओगे? ये जा रहे मामून के रूम में, यहाँ पे राउटर थोड़ा कनेक्शन ना स्लो आ रहा है, तो वहाँ से कनेक्शन नहीं स्पीड स्लो आ रहा है, तो वहाँ पे लगेगा राउटर थोड़ा स्पीड आएगा था। हाँ क्योंकि ऑफलोडिंग में ना थोड़ा टाइम लगता है, इतना हाई स्पीड मेरा नेट है फिर भी ये रूम पे ना थोड़ा सा लेट में अपलोड होता है। मामून के रूम पे है राउटर, वो रहा राउटर ब्लिंक कर रहा है, ग्रीन लाइट दे रहा है। अपने व्लॉग नहीं एंड करा, अपने सिर्फ आप लंच टाइम में एंड करते हैं, अब क्यों नहीं एंड कर रहे? तुम कर दो बाबा आज ब्लॉग एंड, ठीक है आज का ब्लॉग तुम एंड कर दो, संडे का ब्लॉग, ठीक है बोल दो। आज का ब्लॉग इधर ही रखेंगे, फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ। मामी का डायलॉग पूरा बाय एड कर दिया बाबा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना। हाँ और जो नए देख रहे हो हमारे चैनल को, जो नया देख रहे हो जो नहीं देख रहे हो वो कैसे सब्सक्राइब करेंगे? देखो बाबू बोल रहे जो नहीं देख रहे हो हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करो। बोलो जो नया देख रहे हो, मतलब न्यू जो नया देख रहे हो प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर करना। हाँ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके मेरी मम्मी चैनल को, मेरी मम्मी की चैनल को, मेरी मम्मी के चैनल को, मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी है, और लव यू फ्रेंड्स बोल दो। लव यू फ्रेंड्स। ओके चलो आज बाबू बाय बाय कर।